भैया भैया मुझे ये चाहिए। मैंने कहा ना नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्लीज भैया मुझे ये चाहिए ना, अच्छा लगता है दो ना। नहीं नहीं, कल मैंने तुम्हें गोलियां ले दी थी। मीनू मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हम यहाँ खाना खरीदने के लिए आते हैं, गोलियां नहीं। ठीक है, ये आखिरी बार, समझ गए तुम? एक तो तुमने मुझे परेशान कर दिया है। हाँ हाँ, एक थैला बैंगन का, एक तो और ककड़ियाँ भी ले लेना। सूखी मछलियाँ नहीं भूलना। हेलो हर बरस ये हमारे शहर में रखा जाता है। लगता है वो खेल प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं। तुम ठीक से काम करो, समझ गए? लेकिन मैं वहाँ जाना चाहता हूँ पापा। और तेज टकोया। अगली बार तुम ही जीतोगे, ठीक है? रो मत, चुप हो जाओ। पापा पापा पापा। हे भगवान, क्यों, क्या हो गया पापा? ओ, हम शहर के खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। सुनो, तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग जरूर हिस्सा लेंगे, तुम लोग तैयार हो जाओ। हाँ ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम पूरे परिवार सहित हिस्सा लोगे गौन? मैंने सुना है इस बार प्रतियोगिता में बहुत अच्छे नाम दे रहे हैं, हम लोग तो जरूर हिस्सा लेंगे। माँ और पापा तो हिस्सा लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। सच में ये बहुत अच्छी खबर है। हाय बच्चों, मैं भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला हूँ, मैं एक इनाम जरूर जीतूंगा। क्या तुम भी? पापा और मैं रोज तैयारियाँ करते हैं, हम जीतने का कोई मौका नहीं गंवाने वाले हैं। अच्छा, मैं तुम्हारा शक्तिशाली प्रतिद्वंदी बनने वाला हूँ। हम देखेंगे। क्या तुम्हें विश्वास नहीं होता? तो देखना, इनाम मुझे ही मिलेगा। तुमने मेरे खिलाफ लड़ने की कैसे सोची बदमाश? अजीब बात है, लगता है अकी को इन खेलों की कोई परवाह ही नहीं है। जाने दो टकोया, मैंने सुना है वो हिस्सा नहीं लेने वाला। वो हर मैच से पहले बेखबर होने का दिखावा करता है, तो तुम लोग उसे कम मत समझो। हाँ। पता है टकोया, बहुत मजेदार होगा अगर तुम और अकी खेल में लड़ोगे। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि अकी। लेकिन क्यों? क्योंकि वो बहुत तंदुरुस्त है, इसलिए वो बहुत तेज भागता है। पता है टकोया, अगर तुम ठीक से तैयारी करो तो उसे हरा सकते हो। हाँ, मैं बताऊँ, जितने प्रतिद्वंदी बढ़ते हैं मुझे उस खेल में और मजा आने लगता है। हाँ, इसे अपने आप पर कितना भरोसा है। लेकिन क्यों ना हो? मुझे लगता है प्रतियोगिता तुम्हारे और अक्की के बीच होगी, क्या कहते हो? इससे मुझे कुछ याद आता है, जब मेरे और अकी के बीच में 2 साल पहले एक प्रतियोगिता हुई थी, मैं अभी नहीं भूल सका हूँ। ये है तुम्हारा जोड़ीदार प्रतियोगिता में टकोया। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ? पापा, वो कहाँ से इस खेल के कपड़े लेकर आता है?
तुम्हें मेरे विचार कैसे लगे? तुम्हें नहीं लगता है कि ये हमारे नन्हे मीनो पर जचेगा? तो क्या आप कहना चाहते हैं कि वो प्रतियोगिता में हिस्सा ऐसे लेता है? हाँ बिल्कुल टकोया, मीनो चलो अपना हुनर दिखाओ। ओहो, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। उसके मूवमेंट्स बताते हैं कि ये एक मजबूत खिलाड़ी है, जरा देखो। मुझे आशा है कि हमारा मीनो हमें निराश नहीं करेगा। हम आशा करते हैं कि तुम जीत कर लौटो। तुम ब्लू टीम में हो ना? जी, मेरे दोनों लड़कों को ब्लू कलर पसंद है। मुझे पट्टी दे दो ना पापा। याद रखना मीनू कि हम ब्लू टीम में हैं, ठीक है? ये मैं तुम्हारे सिर पर बांध देता हूँ। चलो अब बोलो, ब्लू टीम अमर रहे। नीली टीम अमर रहे, नीली टीम अमर रहे। एक दो कैसे हो हैरो? एक दो मिस्टर और मिसेस किमोरा, आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जरूर जीतेंगे डियर हस्बैंड। एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो बाय बाय। मिस्टर टिमोरा और उनकी पत्नी बहुत अच्छी हैं। वो हमेशा हिस्सा लेने के लिए तैयार होते हैं, जीत की परवाह किए बगैर। टकोया, अच्छी बात है, हम एक ही टीम में हैं। ठीक है बच्चों, जीतने के लिए तैयार हो जाओ। अरे वाह हीरो, लगता है तुम प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो। हीरो इस मौके के लिए तैयार है और उसने बहुत मेहनत भी की है। देखो मैं आ गई। ओ टकोया, कैसे हो? अरे गॉन, वो देखो अक्की आ रहा है। अरे तुम आ गए, हमें लगा तुम नहीं आने वाले हो। और ये क्या, माबू भी हिस्सा लेने वाला है? हाँ, इसका भी मन कर रहा था इसलिए साथ ले आया। तो देखने वालों, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। चार टीमें हैं, रेड व्हाइट पर्पल और ब्लू। मेरे पापा मीनो और मैं और मेरे दोस्त जॉन और उसका परिवार ब्लू टीम में है। मिस्टर और मिसेस टिमोरा व्हाइट टीम में है और वो मजबूत प्रतिद्वंदी है। टमाटा जिसने हमें चुनौती दी है बहुत उत्साहित है हमें हराने के लिए, वो रेड टीम में है। छोटे बच्चों के लिए अगली प्रतियोगिता है 10 मीटर की रेस। सारे प्रतियोगी